खुलासा हुआ है, कौन लोग हैं जिन्होंने घटना पर अंजाम दिया था और किस वजह से घटना पर अंजाम दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 13 तारीख की शाम को पुलिस को यह जानकारी हुई कि गाजीपुर थाना के इंदिरापुरम इंदिरा नगर सेक्टर 11 में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस को यह जानकारी तकरीबन 7:45 रात्रि में मिली और यह हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि घर में प्रवेश करके, और प्रवेश भी ओपन था, वहाँ पर किसी तरह के कोई निशान नहीं थे रेजिस्टेंस के जो प्रवेश द्वार था, और महिला की हत्या कर दी गई। यह एक पूरी तरह से ब्लाइंड केस था और इसमें उस घर में कोई CCTV नहीं था, अगल बगल 200 मीटर की दूरी पर जो CCTV थे उसको खंगाला गया और 5 दिनों के अंदर इस ब्लाइंड केस को, जो हम लोगों के लिए चैलेंज था, उस दिन भी मीडिया से हम लोगों ने कहा था, इस चैलेंज को हमारी टीम ने एक्सेप्ट किया और हमारे SP TG हरेंद्र कुमार, उनके साथी CEO अवनीश्वर श्रीवास्तव, SHO हमारे सुजीत राय जो गाजीपुर के SHO थे, और इनकी पूरी टीम ने जमकर मेहनत की। काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई, जितने भी लोग वहाँ आसपास के थे उन सबको उस फुटेज के चेहरे दिखाए गए और उसके बाद एक मुखबिर के आधार पर जब इसके बारे में बताया गया जिसको गिरफ्तार किया गया, ये दोनों भाई थे, सगे भाई, विनीत मिश्रा पुत्र कैलाश मिश्रा और विनीत मिश्रा का छोटा भाई जो कि अल्पवयस्क है। ये दोनों लड़के बेसिकली ये इन्वर्टर का बिजली मैकेनिक का काम करते थे और इस घर में अप्रैल महीने में भी एक बार बिजली का काम करने के लिए गए हुए थे, इसलिए इस घर का उन्हें आइडिया था। मैकेनिक के नाम पर ये रेकी करते थे और रेकी उसने की और इसे जब आइडिया आया कि इस घर में सिर्फ ये महिला है तो उसने उसके घर में वो एंट्री किया उसने, और एंट्री करके उसने महिला को पीछे धक्का दे दिया और उनका गला दबा दिया जिससे कि उनकी मौत हो गई, वो जो वृद्धा थी, और उनके घर से जो सामान था उस सामान को उसने गायब किया। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि पुलिस ने इसमें 100% बरामदगी की। नगद उनके द्वारा जो 10,000 रुपया लिखाया गया था, इसके द्वारा बताया गया कि 10,000 नहीं होकर ये 2440 रुपये नगद थे। बाकी जितने भी सामान उनके गए थे और जो मेडल उनको LIC में HFL ग्रुप से मिला था, ये मेडल आपके सामने है, ये मेडल जो वार्षण जी को मिला और ये जितने भी सामान थे और जो चीज़ें गई थी, पायल, बिछिया, कटोरी, चम्मच, झुमके, टॉप्स, ये सब, ये सभी चीज़ें पुलिस ने 100% उसके पास से बरामद की। इलेक्ट्रीशियन के रूप में जो चीज़ ये लेकर जाता था वो सामान भी बरामद हुए। और आपको ध्यान होगा कि पहले भी दिन मैंने ये बात कही थी कि वहाँ एक वायर गिरा हुआ था, एक चेक करने वाला था गिरा हुआ, जिसके आधार पर हमने कहा था कि संभावना है कि कोई बिजली बनाने वाला इसमें आया हो, तो उसी आधार पर पुलिस ने यह काम किया और पुलिस की टीम को प्रशंसा DG महोदय के द्वारा, ADG LO के द्वारा, ADG जोन साहब, IG साहब, सब ने पुलिस टीम की बड़ी बड़ी प्रशंसा की है और हमारे द्वारा पुलिस की टीम को इतने जल्द इस ब्लाइंड केस के खुलासे पर 25,000 रुपया इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया। ये दोनों जो सर एक्ट कर रहे थे, क्या इनका लूट का सिर्फ इरादा था, हत्या का इरादा? नहीं, इनका इरादा लूट का था, लेकिन इनको लगा कि ये माताजी विरोध कर रही हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें आउट हो जाएगी और ये पहले भी उस घर में जा चुका था, इसलिए उसने उनका गला था। सर बताइए, भी जा रहा है कि इसको जब पकड़ने के लिए गए थे तो इसकी पत्नी बाकायदा सारी ज्वेलरी को पहने हुए थी, ऐसा नहीं? नहीं, इस तरह की